हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रसार पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं बेसिक साइंस पर बहुत डीप रूप से डिस्कशन करूंगा। मित्रों, यदि मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलें। मित्रों, आज मैं मित्रों बेसिक साइंस पर अधिकतम मात्रा पर क्वेश्चन उठाऊँगा। बेसिक साइंस, SCIENCE, साइंस। मित्रों, साइंस यदि देखा जाए, मित्रों साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है, कोई बच्चा इसमें से बता सकता है? नहीं। साइंस शब्द मित्रों सिटिया से लिया गया है। कहाँ से? साइंस शब्द सिटिया से। साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है? सिटिया से। सिटिया से मित्रों, यदि देखा जाए, साइंस को संस्कृत भाषा में क्या बोला जाता है? मित्रों, साइंस को संस्कृत भाषा में विज्ञान बोला जाता है। क्या मित्रों? विज्ञान। और डीप जाएं तो मित्रों, साइंस को हम अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? साइंस को अरबी भाषा में मित्रों हम इल्म बोलते हैं। क्या? इल्म। इतना बात क्लियर हुई ना मित्रों? आगे चलते हैं मित्रों। यदि हम साइंस के डिफिनेशन देखें मित्रों, साइंस की डिफिनेशन मित्रों होती है प्राकृतिक में पाए जाने वाले वस्तुएं। क्या? प्राकृतिक में पाए जाने वाले वस्तुएं तथा इनसे होने वाले अनेक घटनाओं का अध्ययन करना ही साइंस कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई ना मित्रों? साइंस खोज अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किए मित्रों। आगे चलते हैं मित्रों। साइंस कितने प्रकार के होते हैं? साइंस अनंत प्रकार के होते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको साइंस सिर्फ 8 प्रकार का ही उल्लेख करके आपको बताऊंगा। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का ही उल्लेख करके आपको बताऊंगा। जैसे एक साइंस मित्रों, इसको डिफाइन किया जाए, इसको मिटा दें मित्रों। साइंस को यदि डिफाइन किया जाए तो इसको दो भागों में सर्वप्रथम बांटा जाता है। कितने भागों में मित्रों? दो भागों में। पहला भाग है वास्तविक विज्ञान। पहला कौन सा भाग है मित्रों? वास्तविक विज्ञान। दूसरा क्या है? छदम विज्ञान। क्या है मित्रों दूसरा? छदम विज्ञान। यदि यहाँ पर हम देखें, वास्तविक विज्ञान किसे कहते हैं? वास्तव में जो खोज हो रहा है उसका अध्ययन करना ही वास्तविक विज्ञान कहलाता है। छदम विज्ञान मित्रों, छदम विज्ञान जो झूठ हो, क्या हो? जो झूठ हो उसे विशिष्ट रूप, क्रमबद्ध, सुचारू रूप से सिद्ध करना ही छदम विज्ञान कहलाता है। समझाए मित्रों? यदि इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे कि एग्जाम्पल में सामाजिक विज्ञान आ जाएगा, राजनीतिक विज्ञान आ जाएगा, ये सब किस में आएगा मित्रों? छदम विज्ञान में ही आएगा। आगे और हम आगे इसको आगे डीप में जाते हैं तो वास्तु विज्ञान के मित्रों दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग है मित्रों पदार्थ विज्ञान। क्या? पदार्थ विज्ञान। पहला क्या है? पदार्थ विज्ञान। दूसरा क्या है? जीव विज्ञान को हम इंग्लिश में लाइफ साइंस कहते हैं। क्या? लाइफ साइंस। यदि पदार्थ विज्ञान को देखा जाए मित्रों, पदार्थ विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? पदार्थ की वह शाखा जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाए उसे पदार्थ विज्ञान कहते हैं। क्या? जो चीज़ पदार्थों का अध्ययन किया जाए, जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाए उसे क्या कहते हैं? पदार्थ विज्ञान। और जीव विज्ञान, जिसमें हम जीवों का अध्ययन करें उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। मित्रों ये बताओ, जीव विज्ञान का सर्वप्रथम शब्द किसने प्रयोग किया? जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? सर्वप्रथम लैमार्क वैज्ञानिक। कौन है लैमार्क? जो हमारे फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के। कौन सन में सर्वप्रथम यूज किए? 1801 में। इतना बात क्लियर हुई ना मित्रों? आगे हम बढ़ते हैं। अब जो ये पदार्थ विज्ञान है, पदार्थ विज्ञान को दो भागों में और डिफाइन किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग है जो हम पढ़ते हैं हाई स्कूल और इंटर में, भौतिक विज्ञान। क्या? भौतिक विज्ञान। दूसरा है रसायन विज्ञान।
मित्रों ये भौतिक विज्ञान, अभी मैं इसको और भागों में डिफाइन करूंगा तो इसको मैं यहाँ चर्चा ना करके आगे चर्चा करता हूँ। रसायन विज्ञान मित्रों, रसायन विज्ञान जिसमें हम रासायनिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान की खोज कौन किया? लेवोसियो नामक वैज्ञानिक ने की है, और भौतिक विज्ञान खोज न्यूटन ने की है। यहाँ यदि हम जीव विज्ञान के देखें तो जीव विज्ञान की खोज लैमार्क वैज्ञानिक जो सर्वप्रथम जीव विज्ञान के शब्द की प्रयोग किया था, लेकिन ये वास्तव में इसकी खोजकर्ता कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। इतना क्लियर हुए मित्रों। अब यहाँ हम देखेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के यहाँ दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मित्रों जंतु विज्ञान। क्या? जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। दूसरा क्या है मित्रों? वनस्पति विज्ञान। यहाँ देखें मित्रों, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें हम जीवों का अध्ययन करें उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान जिसमें हम पेड़ पौधे चीज़ों का अध्ययन करें उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान खोजकर्ता कौन है मित्रों? जंतु विज्ञान खोजकर्ता यहाँ अरस्तु नामक वैज्ञानिक हैं, और वनस्पति विज्ञान खोजकर्ता कौन है मित्रों? थियोथ्रेप्टस, थियोथ्रेप्टस। कौन है? थियोथ्रेप्टस। इतनी बात क्लियर हुई ना मित्रों। साइंस को आठ भागों में बांटा गया। पहला वास्तु विज्ञान, दूसरा छदम विज्ञान, तीसरा पदार्थ विज्ञान, चौथा जीव विज्ञान, और पाँचवा भौतिक विज्ञान, छठा रसायन विज्ञान, सातवा जंतु विज्ञान, आठवां वनस्पति विज्ञान। इतना क्लियर हुआ मित्रों। अब हम चलते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कितने पार्ट होते हैं मित्रों, इसको आप लोग नोट कर लो। हाँ मित्रों, यहाँ हम भौतिक विज्ञान को देखेंगे। क्या? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के मित्रों दो भागों में यहाँ बांटा गया, लेकिन हम भौतिक विज्ञान की परिभाषा देखेंगे मित्रों। भौतिक विज्ञान के डेफिनेशन क्या होते हैं मित्रों? देखो मित्र, पदार्थ और ऊर्जा का, क्या? पदार्थ और ऊर्जा का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान होता है। क्या मित्रों? पदार्थ और ऊर्जा का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान होता है। इतनी बात समझ में आई ना मित्रों। अब देखते हैं भौतिक विज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया है। भौतिक विज्ञान लैटिन भाषा से भौतिक विज्ञान शब्द लिया गया है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? फिजिक्स। तो यहां मित्रों भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांट रहे हैं। देखो, देखो पहला भाग है चिरसम्मत विज्ञान। क्या मित्रों? चिरसम्मत विज्ञान। दूसरा है आधुनिक विज्ञान। क्या मित्रों? आधुनिक विज्ञान। आधुनिक विज्ञान के मित्रों मैं इसको एक और नाम देता हूं, जिसे हम कहते हैं क्वांटम विज्ञान। क्वांटम विज्ञान, इसके खोजकर्ता मित्रों कौन है? इसको खोजकर्ता है मैक्सवेल, प्लैंक हैं। अब देखते हैं मित्रों, यहाँ हमारा चिरसम्मत विज्ञान क्या होता है मित्रों? चिरसम्मत विज्ञान उसे कहते हैं, देखो मित्रों यहाँ चिरसम्मत विज्ञान 1900 के पीछे जो घटनाएं हुई हैं, यानी कि जो 1900 पीछे खोज हुए हैं उनका अध्ययन करना ही चिरसम्मत विज्ञान कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई नहीं मित्रों? जो 1900 पीछे खोज हुए हैं उनका अध्ययन करना चिरसम्मत विज्ञान में आता है। यदि हम यही आधुनिक विज्ञान के देखा जाए मित्रों यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें मित्रों। आप जितना लाइक करेंगे उतनी जल्दी आप मेरा वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको। यदि देखें मित्रों आधुनिक विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, इसको देखें तो 1900 के बाद, यानी कि 1900 के बाद जैसे कि 1901, 1902 लेकर कहाँ तक 1919 तक जो खोजें
खोजे गए हैं उनका अध्ययन करना क्या कहता है, आधुनिक विज्ञान या क्वांटम विज्ञान कहते हैं। इतना क्लियर हुई ना मित्रों? मैं फिर बोल रहा हूँ मित्रों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें मित्रों। मित्रों आज की क्लास यहाँ तक बहुत है, और मित्रों आप अपने अगल बगल और घर में साफ सफाई रखिए, जिससे कि मेरा भारत स्वच्छ भारत बने। आज के लिए क्लास यहीं आप करते हैं। थैंक यू वेरी मच मित्रों।